नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस टीवी में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जिसको देखकर आप लोगों को मजा आने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए पहले हम इस टीवी का प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टीवी में किया गया एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस टीवी को पावर मिल गया है और ये स्टैंड बाई से भी रिलीज हो गया है। तो चलिए इस टीवी का स्क्रीन में देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस टीवी का स्क्रीन व्हाइट हो गया है। अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम एक LCD या LED टीवी में देखने को मिल जाता है। इस टीवी का स्क्रीन व्हाइट इसीलिए हुआ है क्योंकि डिस्प्ले यानी टिकॉन बोर्ड को 12 वोल्ट सप्लाई नहीं मिला है। यहाँ एक MOSFET था, इस MOSFET को मैंने सर्किट बोर्ड से निकाल दिया है क्योंकि जल चुका था। इस MOSFET से डिस्प्ले का 12 वोल्ट को ऑन ऑफ किया जाता था। जब भी इस तरह का MOSFET या IC सर्किट बोर्ड में खराब हो जाता है, तब MOSFET या IC को एक मॉड्यूल से रिप्लेस किया जाता है और वो मॉड्यूल ये है। इस मॉड्यूल से डिस्प्ले या टिकॉन बोर्ड को 12 वोल्ट दे दिया जाता है। इस मॉड्यूल से तो 12 वोल्ट दिया जा सकता है, पर इस मॉड्यूल से निकला हुआ 12 वोल्ट को ऑन ऑफ किया नहीं जा सकता क्योंकि इस मॉड्यूल में ऑन ऑफ का सिस्टम दिया ही नहीं गया है। किसी भी सर्किट बोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए उस सर्किट बोर्ड में एक एनेबल पॉइंट दिया हुआ होता है जो कि इस सर्किट बोर्ड में नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस सर्किट बोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और वो ये एक्सपेरिमेंट होगा कि इस सर्किट बोर्ड को कैसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, यानी कि इस सर्किट बोर्ड में कैसे एनेबल पॉइंट बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखें इस सर्किट बोर्ड में कैसे एनेबल पॉइंट बनाया जा सकता है। तो इस सर्किट बोर्ड में एनेबल पॉइंट बनाने के लिए हमें 3 कंपोनेंट का ज़रूरत होगा। जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, मेरे पास 3 कंपोनेंट है, एक ट्रांजिस्टर है और 2 रजिस्टर है। तो यही 3 कंपोनेंटों से इस मॉड्यूल को ऑन ऑफ किया जाएगा, यानी कि इस मॉड्यूल में एनेबल पॉइंट बनाया जाएगा। दोस्तों, मेरे पास जो ये टीवी है, इस टीवी का टिकॉन बोर्ड 5 वोल्ट का है, तो इस टिकॉन बोर्ड को भी 5 वोल्ट देना होगा। इस मॉड्यूल को मैंने 5 वोल्ट में एग्जिस्ट करके रख दिया है। इस मॉड्यूल में 12 वोल्ट इनपुट किया जाएगा, पर इस मॉड्यूल से 5 वोल्ट ही आउटपुट होगा और उसी 5 वोल्ट को एनेबल कनेक्शन के थ्रू ऑन ऑफ किया जाएगा। इस मदरबोर्ड में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट इनपुट होता है और ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट इस टीवी का पावर सप्लाई से इस वायर के थ्रू यहाँ इनपुट होता है और फिर यहीं से इस 12 वोल्ट को लेकर इस मॉड्यूल में इनपुट किया जाएगा और फिर इस मॉड्यूल से 5 वोल्ट आउटपुट किया जाएगा। उसके बाद इस 5 वोल्ट को डिस्प्ले यानी कि टिकॉन बोर्ड को दे दिया जाएगा। इस मॉड्यूल से मनचाहा वोल्टेज निकाला जा सकता है। तो चलिए इस मॉड्यूल में ये जो 3 कंपोनेंट है, इन तीनों कंपोनेंटों को इस मॉड्यूल में जोड़ देते हैं ताकि इस मॉड्यूल को ऑन ऑफ किया जा सके। ये प्रीसेट है, इस प्रीसेट से आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस स्क्रू का ठीक नीचे एक टर्मिनल है, 3 में से ये वाला टर्मिनल जिसे मैं अभी पॉइंट आउट करूँगा। ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में ट्रांजिस्टर का एमिटर और कलेक्टर कनेक्ट होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर का बेस है, ये कलेक्टर और ये एमिटर है। इस बेस को छोड़ के ये कलेक्टर और ये एमिटर इस मॉड्यूल में कनेक्ट होगा।
ट्रांजिस्टर का एमिटर और कलेक्टर इस मॉड्यूल में जुड़ गया है। इस बेस को ऐसे ही छोड़ दिया है। इस बेस में दो रेजिस्टर कनेक्ट होगा। ये दो रेजिस्टर से इस मॉड्यूल का वोल्टेज ऑन ऑफ होगा, यानी कि इस मॉड्यूल को एनेबल कनेक्शन दिया जाएगा। एनेबल कनेक्शन देने से पहले इस मॉड्यूल में वोल्टेज इनपुट कर लेते हैं, उसके बाद इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट होगा। और यहाँ निगेटिव वोल्टेज इनपुट होगा। इस ब्लैक वायर को मैंने ग्राउंड पे जोड़ दिया है। इस रेड वायर में जितना भी वोल्टेज हम इनपुट कर सकते हैं, इस रेड वायर के लिए टीवी में कहाँ हमें वोल्टेज मिल सकता है, चलिए उसे देखें। टीवी स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। इस जगह में हमें 13 वोल्ट मिल रहा है, तो मॉड्यूल का रेड वायर को इसी जगह कनेक्ट करना होगा। इस मॉड्यूल में दोनों ही वायर जुड़ चुका है, पॉजिटिव और निगेटिव। जब हम इस टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे, तब इस मॉड्यूल में 13 वोल्ट इनपुट होगा और 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ये टीवी स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है और ये मॉड्यूल भी ऑन हो चुका है। अब हम इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ देखिए, इसका बैकलाइट भी ऑन हो चुका है। इस मॉड्यूल में मैंने पहले से ही इस प्रीसेट का मदद से इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट कर दिया है, जो कि अभी 5 वोल्ट है। ये दो इसका आउटपुट पॉइंट है और यहाँ भी दो आउटपुट पॉइंट है, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव 5 वोल्ट आउटपुट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस मॉड्यूल से 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये जो पॉजिटिव 5 वोल्ट है, इसे हम यहाँ कनेक्ट करेंगे पैनल के लिए। इस जगह से पैनल को LVDS के थ्रू 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस ट्रांजिस्टर के थ्रू इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज ऑफ करना होगा। उसके बाद इस मेन बोर्ड से एक सिग्नल लेके इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज ऑन करना होगा, तब जाके डिस्प्ले यानी कि टिकॉन बोर्ड को 5 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए पहले हम इस मॉड्यूल का 5 वोल्ट को ऑफ कर लेते हैं। मेरे पास एक 1K रजिस्टर है, इस रजिस्टर से मॉड्यूल का आउटपुट 5 वोल्ट ऑफ किया जाएगा। इस रजिस्टर का एक टर्मिनल ग्राउंड का साथ जुड़ गया है और दूसरा टर्मिनल ट्रांजिस्टर 1015 का बेस में जुड़ेगा। आप लोग यहाँ देखिए, इस LED में और इस LED में, जब ये TV स्टैंड बाय से रिलीज होगा, तब इस मॉड्यूल से वोल्टेज बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये LED ग्लो हो चुका है, पर इस मॉड्यूल का LED ऑफ है। ये ऑफ इसलिए है क्योंकि हमने इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज को रोक दिया है।
मेरे पास और एक 1K रजिस्टर है। इस रजिस्टर से इस मॉड्यूल का आउटपुट 5 वोल्ट को ऑन किया जाएगा, यानी कि इस मॉड्यूल में मदरबोर्ड से एनेबल वोल्टेज इनपुट किया जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू। इस रजिस्टर को ट्रांजिस्टर का बेस में कनेक्ट करना होगा। अब इस रजिस्टर में एक एनेबल वोल्टेज इनपुट किया जाएगा, जिससे इस मॉड्यूल को ऑन ऑफ किया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक सेक्शन है, इसे ऑडियो आउटपुट सेक्शन बोला जाता है। इस ऑडियो आउटपुट सेक्शन में एक वोल्टेज इनपुट होता है, जिससे कि इस सेक्शन को सप्लाई मिलता है। इस ऑडियो आउटपुट सेक्शन में 12 वोल्ट इनपुट होता है, ये 12 वोल्ट टीवी का साथ ऑन ऑफ होता है, और हम इसी वोल्टेज को इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूल को ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलिए, यहाँ जो 12 वोल्ट मिलता है, यहाँ हम एक वायर जोड़ देते हैं। तो ये ऑरेंज वायर ऑडियो आउटपुट सेक्शन का पॉजिटिव सप्लाई में जुड़ गया है। अब ये जो वायर है, इस वायर से मॉड्यूल को ऑन किया जाएगा, जो कि ये वायर एनेबल सिग्नल का काम करेगा। जब इस वायर को 1K रजिस्टर में जोड़ दिया जाएगा, तब इस मॉड्यूल का आउटपुट 5 वोल्ट रिलीज होगा। अब टीवी को स्टैंडबाय से रिलीज करते ही इस मॉड्यूल का 5 वोल्ट भी रिलीज हो जाएगा। अब ये LED बल्ब, यानी कि इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज पावर बटन का साथ काम करेगा। जब भी हम इस टीवी का पावर स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, तब ये मॉड्यूल भी टीवी का साथ ऑन ऑफ होगा। यानी कि जब भी हम टीवी का पावर बटन से या रिमोट कंट्रोल का पावर बटन से टीवी को ऑन ऑफ करेंगे, तब टीवी का साथ ये मॉड्यूल भी ऑन ऑफ होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, अब मैं इस टीवी का पावर बटन ऑफ करने जा रहा हूँ। इस पावर बटन को ऑफ करते ही इस मॉड्यूल का आउटपुट वोल्टेज भी ऑफ हो जाएगा। अब ये टीवी स्टैंडबाय मोड में है और ये मॉड्यूल भी स्टैंडबाय मोड में है, जबकि ऐसा पहले होता नहीं था। अब इस ऑडियो सेक्शन का साथ ये मॉड्यूल भी ऑन ऑफ होगा। तो फिलहाल इस मॉड्यूल से अभी कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, चलिए उसे देखें। और उसके बाद जब इस टीवी को स्टैंडबाय से रिलीज किया जाएगा, तब इस मॉड्यूल से कितना वोल्टेज आउटपुट होगा उसे भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल टीवी स्टैंडबाय मोड में है। इस समय यह मॉड्यूल 1 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अब इस टीवी को स्टैंडबाय से रिलीज किया जाएगा। टीवी को स्टैंडबाय से रिलीज करने के बाद इस मॉड्यूल से 5 वोल्ट रिलीज हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं। तो इस मॉड्यूल से 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड के लिए। अब हम इस मॉड्यूल से डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को 5 वोल्ट दे सकते हैं।
यहाँ हमें 5 वोल्ट मिलेगा, तो यहीं से हम एक वायर लेके LVDS का VDD सप्लाई पॉइंट में इस वायर को जोड़ देंगे, जिससे डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को 5 वोल्ट मिल जाएगा। ये सेक्शन पूरा डैमेज हो चुका है, यहाँ से डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो इस वायर के थ्रू डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को 5 वोल्ट दिया जाएगा। ये वायर अच्छी तरह जुड़ चुका है मॉड्यूल से डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को 5 वोल्ट देने के लिए। अब टीवी को ऑन करके देखा जाएगा कि इस मॉड्यूल से प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है या नहीं डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को। अब आप लोग यहाँ देखिए, मैं टीवी ऑन करने जा रहा हूँ। ये टीवी ऑन हो गया है और ये मॉड्यूल भी ऑन हो चुका है, और इस जगह से LVDS के थ्रू डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को भी 5 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड का इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं 4.9 वोल्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है, इसे हम प्रीसेट से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस वोल्टेज से भी टीवी चल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम इस टीवी का आगे से स्क्रीन देख लेते हैं। स्क्रीन यानी कि इस टीवी का डिस्प्ले में कुछ इमेज बन रहा है या नहीं उसे देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, इस टीवी में स्नो दिख रहा है, इसका मतलब इस टीवी में इमेज बन रहा है। इस टीवी का डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड में 5 वोल्ट अच्छा से मिल रहा है। तो चलिए एक बार हम इस टीवी को स्टैंड बाई करके देखते हैं। इस टीवी का ये पावर स्विच प्रेस करते ही ये टीवी स्टैंड बाई में चला जाएगा, और साथ में हमने लगाया हुआ मॉड्यूल भी स्टैंड बाई में चला जाएगा। आप लोग देखते रहिए। ये टीवी स्टैंड बाई में चले जाते ही ये मॉड्यूल भी स्टैंड बाई में चला गया है, और इसका बैकलाइट भी ऑफ हो गया है। ये बैकलाइट स्टैंड बाई में इस मॉड्यूल से नहीं गया है, पर ये टीवी स्टैंड बाई करने से ये मॉड्यूल अच्छी तरह काम कर रहा है। दोस्तों, इस बीच में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो मैंने इस टीवी में एक्सपेरिमेंट किया है 5 वोल्ट ऑन ऑफ करने के लिए, पर इस मॉड्यूल से 12 वोल्ट को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। 12 वोल्ट ऑन ऑफ करने के लिए पी चैनल मॉस्फेट यूज करना होगा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से इस टीवी का डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड को वोल्टेज दिया गया और उस वोल्टेज को कैसे ऑन ऑफ किया गया। इस तरह का मॉड्यूल में अक्सर एनेबल कनेक्शन नहीं होता है, तो इस तरह से भी मॉड्यूल का एनेबल कनेक्शन बनाया जा सकता है। इस ऑरेंज वायर को एनेबल के लिए ऑडियो आउटपुट सेक्शन में दिया गया है। इस ऑरेंज वायर को एनेबल के लिए ऑडियो सेक्शन में ना देकर अन्य सेक्शन से भी एनेबल के लिए वोल्टेज लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।